का पेस्ट्रो। नींद आ गई, नींद आ गई। ये फेंक सकते हैं निकाल के। तो मैंने पानी डाला था सुबह। सुबह सुबह से धूप बड़ी अच्छी निकल आई थी, तो फिर बस नहाने के बाद में मैं पूजा करने जाऊं, उससे पहले मैंने यहाँ पर अचार रख दिया था। इस खिड़की में बड़ी बढ़िया धूप आती है। वैसे तो मेरे पूरे ही घर में धूप बहुत अच्छी आती है, मगर इसमें कुछ ज़्यादा ही आती है, तो ज़्यादातर मैं इसी में रख देती हूँ। आप सभी को सुबह की राम राम जी, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, और साथ ही आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। तो बस सुबह का ही समय है और दिन था रविवार का, तो वही है कि नहा के सबसे पहले मुझे पूजा करनी है, मगर नहाने से पहले भी बहुत सारे काम रहते हैं जो कि थोड़े थोड़े हम करते रहें तो कितने काम सिलट जाते हैं कोई ठीक नहीं है। और साफ़ सफाई करके पूरा पौन घंटा करीब मुझे लगता ही है पूजा करने में। यहाँ आरती हो गई थी और आरती करने के बाद में मैंने नाश्ता भी नहीं किया है। सबसे पहले मेरे दिमाग में एक जो चीज़ खटक रही थी वो था मेरा ड्रॉअर, और ये डब्बा तो आपने देखा होगा, मैंने आपको प्रीवियस व्लॉग में दिखाया है कि मोहित हमारे लिए जो गिफ्ट लाया था। तो बस मैंने सोचा कि डब्बे की क्वालिटी बहुत अच्छी है, और देखिए सामान इस तरीके से इस ड्रॉअर में रहता है। अब मैं क्या बताऊं कि ये कुछ गंदगी तो है नहीं, बट थोड़े दिनों में अगर सामान निकाल के साफ़ करो तो कुछ कुछ वो मसाले जो हैं वही निकल निकल के आ जाते हैं ड्रॉज़ वगैरह में, तो वो मैंने क्लीन भी कर दिया। और इसमें क्या है कि सामान जैसे यूज़ करती हूँ, इतने डब्बा डुब्बी है नहीं मेरे घर में, अभी मैं लाई नहीं हूँ, तो बस गार्डर लगाया और पैकेट रख दिया, तो ये वो सब सारा सामान जो है वो इकट्ठा होके ड्रॉर में था। तो इस डब्बे की क्वालिटी मुझे बड़ी बढ़िया लगी। तो ये ऊपर वाला जो पोर्शन है इसको मैंने कट कर दिया, और जो ऊपर का इसका ढक्कन है उसको भी मैंने साइड से कट कर दिया है। तो क्या है कि इस साइड भी यही वाला पिंक वाला जो पेपर जो भी है वो लगा हुआ है, तो वो एक जैसा लगेगा। तो इस वजह से मैंने सोचा कि और ज़्यादा सजाने बजाने की इतनी ज़रूरत मुझे है नहीं, क्योंकि ड्रॉअर में रहेगा और मज़बूत चीज़ है, और चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहेंगी, सामान इतना ज़्यादा खोजने की भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से दोनों डब्बों को मैंने रेडी कर लिया रखने के लिए, और ये वाला जो पीस है इसको मैंने कट करके यहाँ सामने लगा दिया है। तो क्या है कि जैसे ड्रॉअर कोई खोलेगा तो सामने से बिल्कुल एक जैसा कलर समझ में आएगा, तो देखने में सुंदर लगेगा। तो ऑनलाइन से हो या फिर कोई गिफ्ट आपको दे, तो डब्बे को इस्तेमाल करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। और एक साइड जो गत्ता जैसा दिख रहा है तो वो तो जैसे जो ड्रॉअर खोलेगा उसकी तरफ रहेगा, तो ये दिखेगा भी नहीं। तो डब्बा काम का काम में आ गया, फिका भी नहीं, और ड्रॉअर भी बिल्कुल ऑर्गेनाइज हो जाएगा। अभी थोड़ी देर में आप देखिएगा, मेरे पास डेंड्राइड या फेविकॉल वगैरह अवेलेबल नहीं थी, ये फेविक्विक ही थी, तो इसी को मैंने लगा के काम चला लिया, और काम चला नहीं, काम दौड़ गया, बड़ा बढ़िया हो गया। ये यहाँ लगा दिया मैंने, और सारा सामान मैंने अच्छी तरीके से इसमें रख दिया, और ड्रॉअर में क्या बताऊँ इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज हो गया। और अभी फिर से कुछ एक आध डब्बे मैंने देखे कि घर में हैं, संभाल के रख देती हूँ जो अच्छे थोड़े हों, तो दूसरे वाले ड्रॉअर को भी इसी तरीके से ऑर्गेनाइज करूँगी। जब समय मिलता है तभी कर देती हूँ, ऐसा नहीं कि बस आज कर रही हूँ तो आज ही सारा काम करके तमाम, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि और भी बहुत सारे काम पड़े रहते हैं ना घर में, तो हर चीज़ और हर काम अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ही हो पाता है। तो ड्रॉअर आपने देखा कितना अच्छा ऑर्गेनाइज हो गया, और यहाँ पे जो सामान एक्स्ट्रा था राशन का वो ये राशन वाले डब्बे में मैं रखा, और ये क्रॉकरी यूनिट का ये वाला पोर्शन मैंने पूरा क्लीन किया है। और इसमें क्या है कि जितनी भी टिफ़िन हैं, डब्बे डुब्बी जो भी हैं, और मेरा सैंडविच मेकर है जो रोज़ रोज़ काम में लगता नहीं है, जब लगता है तब हम निकाल लेते हैं। तो अभी फ़िलहाल फ्रिज में इतनी साग सब्जियां थी नहीं, एक दिन पहले मैं लाई, बट सारी सब्जियां तो मैंने काट के एक बार में रखी नहीं, क्योंकि काफ़ी समय लग जाता है, तो बस जो लगना था वो काट लिया। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था, ये जो
आइसक्रीम होती है ना जैसे ऑरेंज आइसक्रीम स्टिक वाली, उसको जमाने के लिए। तो अभी मैंने इसको यूज़ तो किया नहीं है, बस ये सब सामान सब यहाँ रख रखे हैं, जैसे कि केक टीन है, एक्स्ट्रा टिफिन है, सब कुछ। और ये जब मेरा काम हुआ है घर में तो काफ़ी कुछ, जैसे ये क्या बोलते हैं इसको, पेपर वाला स्टिकर जिससे सनमाइका चिपकाते, तो ये काफ़ी जगह अभी लगे हुए हैं। जैसे जैसे साफ़ करती हूँ वैसे वैसे निकाल देती हूँ मैं, और वो वाला पोर्शन भी पूरा क्लीन हो गया। ये मोहित लाया था, मैंने आपको दिखाया प्लांट। अब मनी प्लांट मेरे घर पे था भी नहीं, और किचन में साइड में मैंने आपको कहा था कि मैंने एक जगह बनवाई है, वहाँ मुझे इच्छा है कि मैं कोई प्लांट रखूँ। तो आप लोगों ने कहा था कि बैम्बू प्लांट रख सकते हैं या फिर मनी प्लांट रख सकते हैं, और दो तीन आप लोगों ने नाम बताए थे। तो अब सोच रही हूँ कि जब आ ही गया है और वो भी गिफ्ट में मिला है, और पता है इसका सिस्टम कितना अच्छा है, ये देखिए इसके नीचे से ये खुलता है। अब जो पानी डाला था मैंने, तो जितना पानी पौधे को लगेगा वो ठीक है, एक्सेस वाटर यहाँ नीचे निकल गया है, तो इजीली इसमें निकाल के इसको फेंक सकते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको, ये फेंक सकते हैं निकाल के। तो मैंने पानी डाला था सुबह, तो ये इतना पानी निकला है। ये सिस्टम बहुत अच्छा लगा मुझे। अब एक पत्ता जो है वो येलो हो गया है, लेकिन येलो के साथ साथ थोड़ा ग्रीन भी है, इसलिए मैं तोड़ नहीं रही हूँ इसको। और यहाँ इसमें अच्छी धूप भी लग रही है, टेबल वगैरह क्लीन हो जाएगी तब इसको देखती हूँ टेबल पे लगाऊंगी। वैसे ये टेबल प्लांट ही है। सो पूजा करने के बाद सबसे पहले ड्रॉर अरेंज किया, और अब कितना एकदम बढ़िया लग रहा है, ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है, वरना सामान खोजने में ही हालत खराब हो जाती थी, क्योंकि इतने सारे डब्बा डुब्बी नहीं है किचन में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारे डब्बे नहीं रखे, लाने हैं, तो कोई कोई सामान, कोई कोई नहीं, बहुत सारा मसाला सामान जो रहता है खत्म हुआ, गार्डर लगाया पैकेट रख दिया, खत्म हुआ गार्डर लगाया पैकेट रख दिया, तो वो चीज थी। अब एक्स्ट्रा में सब मैंने राशन के डब्बे में रख दिया, और वो कितना बढ़िया ऑर्गेनाइज्ड लग रहा है कि सामान खोजने की इतनी जरूरत नहीं है, इतना टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। अब जा रही हूं मैं मेडिसिन लेके नाश्ता करने के लिए, नाश्ता करने के बाद आपसे मिलूंगी। और एक दिन पहले जो बाज़ार में लेकर आई थी, तो ये 200 ग्राम धनिया में लेकर के आई थी, और बड़ा गीला गीला सा था, तो काट के और इस तरीके से मैंने सुखा दिया है इसको। तो सुखा के रखेंगे तो बिल्कुल अच्छे से रहेगा, मतलब कहते हैं ना कि एकदम गल के ख़राब हो जाएगा, वो नहीं होगा, ज़्यादा दिन चलेगा भी। और आज आपको रेसिपी दे रही हूँ एक बिल्कुल सोवर सिंपल नाश्ते की, हेल्दी भी है और बहुत जल्दी बनने वाला। तो यहाँ चटनी बना रही हूँ, ये कच्ची मूंगफली है जिसको मैंने थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लिया है, और ये रोस्टेड चना दाल है, अगर रोस्टेड ना हो तो आप थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए। साथ ही डाला है मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा, थोड़े से नारियल के पीसेस डाले हैं कट करके, और टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने नमक और हरी मिर्ची डाली है, बस इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा। आप चाहें तो थोड़ी सी इमली डाल सकते हैं, मैं खट्टा ज़्यादा, मैं क्या, मेरे घर में खट्टा कोई ज़्यादा पसंद नहीं करता है। पानी डाल के मैंने उसी हिसाब से चटनी को पीस लिया, और यहाँ पे 2 से 3 चम्मच पोहा, यानी कि इसको हम लोग चिवड़ा बोलते हैं, चूड़ा, इसको गला दिया है धो के अच्छी तरीके से। और 1.5 कप के करीब मैंने सूजी ली है, और जितनी सूजी उतनी ही दही लेनी है, 1.5 कप ही दही लेनी है। और इसमें डाल रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी उसी में घोल के, और ये जो पोहा मैंने गलाया था बस ये डाल दिया है। तो ये नाश्ता कोई बहुत ज़्यादा जैसे क्रंची बनाने के लिए पोहा या चावल का आटा डालते वैसा नहीं, बड़ा ही बेहतरीन नाश्ता बनता है और बहुत जल्दी बनने वाला। हल्का सा मिक्स करके इसको मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ, और अच्छी तरीके से इसको आप चर्न कर लीजिए, चला लीजिए, ताकि एक स्मूथ बैटर बन जाए। तो यहाँ मैंने बहुत अच्छी तरीके से पीस लिया था, और कुकर में चढ़ा हुआ है एस्टो के लिए खाना, और कढ़ाई में चढ़ा हुआ है, शाम के लिए मैंने मटर पनीर की भुजिया बना ली थी यानी कि स्ट्यू, तो बस वही चढ़ा हुआ था। और यहाँ जितना भी फैला हुआ था थोड़ा हटा के, और उसके बाद यहाँ पे मैंने डाल दिया है ये बैटर, देखिए बिल्कुल ऐसी ही कंसिस्टेंसी चाहिए, तो ये बड़ा ही बढ़िया है। और इसमें कोई स्टफिंग की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी ऊपर से किसी भी वेजीज की लेयर भी नहीं लगानी है इसमें। तो ये हो गया रेडी, और अब यहाँ पे मैं जो चटनी है उसमें छौंका लगाऊंगी। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पे राइस ब्रैन ऑयल लिया है,
और थोड़े सरसों के दाने डाल रही हूँ, और जो जयपुरी मिर्ची होती है तो एक वो डाली है मैंने यहाँ पर। अगर वो ना हो तो नॉर्मल सूखी मिर्ची भी आप डाल सकते हैं, और थोड़े से करी पत्ता डाल के फिर उसके बाद मैंने लगाया है चटनी में छौंका। ये बिल्कुल इंस्टेंट बनने वाली साउथ इंडियन चटनी है, जिसको आप डोसा, इडली, उत्पम ये सब में आप इजीली खा सकते हैं। और ये चटनी जब आप खाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि बाहर जो हम साउथ इंडियन खाना खाते हैं तो उसके संग ये चटनी सर्व की जाती है। वैसे इस तरीके की चटनी बहुत तरीके से बनती है। और बस थोड़ी देर के लिए मैंने इसको रेस्ट पे रख दिया था 10 मिनट के लिए। डाला है हिसाब से नमक, और ये 1/4 टीस्पून डाला है मैंने बेकिंग सोडा, यानी कि मीठा सोडा, खाने वाला सोडा। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप एक पाउच इनो का भी डाल दीजिएगा, मगर अनफ्लेवर्ड डालिएगा। अच्छी तरीके से मिक्स किया है, हल्का सा घी लगा रही हूँ। अब पूरी आपकी चॉइस है, आप बटर भी लगा सकते हैं, तेल भी लगा सकते हैं, मैंने घी लगाया है। और ये देखिए, मैं आपको दो तरीके बता रही हूँ। इसके ऊपर आप थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर और ब्लैक पेपर पाउडर और हरा धनिया स्प्रिंकल करके भी बना सकते हैं। थोड़ा कलरफुल हो जाता है, टेस्ट हल्का सा चेंज हो जाएगा। ऊपर से ये थोड़ा घी ज़रूर डालिएगा, देसी घी, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। दो तरफ से भी सेक सकते हैं, और वैसे ये वाला नाश्ता सिर्फ एक ही तरफ से सेका जाता है, बिल्कुल वाइट वाइट बनता है। बट मैं आपको दो वेरिएशन बता रही हूँ। इसको आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में, लंच बॉक्स में दे सकते हैं। इजी है, रेस्ट पे इतनी रखने की ज़रूरत नहीं है, पहले से इतनी प्रिपेरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी बनने वाला नाश्ता है। और ये देखिए, पूरा आप देख रहे हैं पूरे बबल्स वगैरह आ गए हैं, तो यही इसकी पहचान है कि जो बैटर हमने बनाया वो बिल्कुल सही बना है। और अब मैं आपको करके दिखाती हूँ प्लेटिंग, और मैंने इसका नाम रखा है वाइट फ्लफ़ी डोसा। तो बहुत बढ़िया है, और फ्लफ़ी तो है ही। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, पूरा रूमाल की तरह फोल्ड भी हो जाएगा और दोबारा खुल भी जाएगा। और घी डालना मत भूलिएगा, क्योंकि इसका असली मज़ा देसी घी के साथ में है। ये देखिए, बहुत बढ़िया से सिक गया है, और कितना ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफ़ी है। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। तो यही मैंने हमारे लंच के लिए बनाया था, और एस्ट्रो के भी लंच का टाइम हो गया था, तो अभी फ़िलहाल हम लोगों ने नहीं खाया था। मैंने जस्ट आपको प्लेटिंग करके दिखाई थी, बस एस्ट्रो को हमने खाना दिया है। और यहाँ लगा दी थी मैंने वॉशिंग मशीन, तो बस वॉशिंग मशीन लगाई है, और थोड़ा टिपिर टिपिर पानी आ ही रहा था बाद में, तो बिल्कुल तेज़ एकदम बारिश आ गई है। और अभी तो दो दिन से लगातार बिल्कुल जैसे कि रेनी डे जैसा ही चल रहा है, वही मन मौजी वाला जो मौसम होता है। मन किया तो तेज़ धूप आ गई, और मन किया तो तेज़ बारिश आ गई, अभी कुछ इसी टाइप का मौसम चल रहा है। और हमारा एस्ट्रो बाबू इसी तरीके से कोने कोने में छुपा रहता है। जो पसंद करते हैं ना एस्ट्रो को, इतने कमेंट्स आते हैं, बस ये क्लिप्स उनके लिए ही है, तो देख लीजिए, मिल लीजिए आप अपने एस्ट्रो से। और यहाँ आ गई थी बिल्कुल, मतलब कहते हैं ना, तेज़ बारिश बिल्कुल। और ये वाली जो चादर है, ये मैं सो के उठी थी तो मैंने डाल दिया था कि धूप लग जाएगी ज़रा। बारिश आ रही है, बिल्कुल तेज़ बारिश आ गई है। दोपहर के बज रहे हैं शायद 1:45, 2:45 बज रहे हैं। अभी कपड़े धुल गए हैं, स्पिन हो रहे हैं, और चलो सुखाए नहीं है, नहीं तो भीग जाते। ये चादर तो मैं ओढ़ती हूँ, तो बस इसको मैंने सुबह धूप में डाल दिया था, और सप्ताह में एक दिन सारी चादरें जो ओढ़ने में काम में आती हैं वो धो लेती हूँ मैं। एस्ट्रो बाबू, एस्ट्रो बाबू देख, एस्ट्रो का पैस्ट्रो, नींद आ गई, नींद आ गई।
एस्ट्रो को नींद आ गई। ज़्यादा भाव खा रहा है क्या? और अभी ये क्या करेगा पता है, जाके सो जाएगा। जैसे ही मैं लाइट ऑफ करूंगी, पर्दा डालूंगी, थोड़ा अंधेरा हो जाएगा, सो जाएगा जाके। बारिश हो रही है, जम के हो जाए अच्छी बारिश तो मौसम ठीक हो जाएगा। अब ये जो नीचे स्विमिंग पूल है, चिंकी आने वाला है, तो ये वाला जो स्विमिंग पूल है इसमें चिंकी रोज जाता है, जितने दिन रहेगा उतने दिन जाता जरूर है। अब मैं आपसे डायरेक्ट मिल रही हूँ शाम के टाइम, तो बस लाइट वगैरह जलाई है और किचन में जाके मैंने हाथ वगैरह धो के दूध का पैकेट निकाला है कि चाय बनाऊंगी ज़रा। तब तक फिर मैंने देखा कि आंचल नहा के मंदिर में ही थी, सारा सब कुछ जैसे दिया वगैरह सेट कर रही थी, तो पूजा का टाइम हो गया था। तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले साथ में आरती कर लेते हैं और उसके बाद में मैं बनाऊंगी चाय। सो चलिए इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।